बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम अकरम मलिक और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ोंग का ई केयर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये काम अपने फ़ोन के ऊपर करूंगा और इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो चलिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल में जाकर मैं लिखूंगा ई केयर ज़ोंग और एंटर करूंगा। ई केयर ज़ोंग का लिंक सबसे ऊपर आ रहा है, मैं इसे खोलूंगा। यहां पर मैं अपना नंबर डालूंगा। ये एक नंबर है जो मैंने सिर्फ इसी मकसद के लिए खरीदा, तो मैंने वो नंबर यहां पर डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर वो करेक्टर्स टाइप करूँगा जो कि नीचे दिए हुए हैं, यानी कि 7IVP4। ये सिक्योरिटी के लिए होते हैं और हर मरतबा ये नए जनरेट होते हैं, तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा 7IVP4। अगर आपको ये पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो आप नीचे दिया हुआ लिंक भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये एक नया नंबर आपको जनरेट कर देगा। बहरहाल अब मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये गुलाबी रंग का लॉगिन का बटन है। इसके बाद अगली स्क्रीन खुलेगी, जिस स्क्रीन में ये कह रहा है कि आपको एक पिन भेजा गया है, उस पिन नंबर को यहाँ पर डालें। वो पिन आपकी ज़ोंग की सिम पर भेजा जाएगा SMS के ज़रिए। मैं आपको उसका स्क्रीन शॉट भी दिखा देता हूँ। मैं ये स्क्रीन शॉट ले लूँ क्योंकि मुझे रिसीव तो हो गया, मुझे स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। मैं आपको दिखाता हूँ ये स्क्रीनशॉट। ये 8 अंशों का एक पिन है, काफ़ी लंबा। ये आपने इसमें डालना है। यहाँ पर मसलन मैं ये डाल देता हूँ 9328 6725, ऊपर पिन आ जाएगा। और नीचे मैं लिख दूँगा जो सिक्योरिटी का कैप्चा आया हुआ है वो, यानी कि ये जो JW करके लिखा हुआ है, JW। अब ये पता नहीं आगे O या 0, मैं इसको O डाल देता हूँ अंदाज़े से, और 5 और आखिर में G। सारा डालने के बाद मैं करता हूँ लॉगिन। क्या हुआ, इसको समझ नहीं आया शायद। वो कहता है कि पिक्चर में जो करेक्टर्स दिए हुए हैं वो आपने गलत टाइप किए हैं। कोई बात नहीं, हम दोबारा डाल लेते हैं। पहले पिन डालेंगे हम 9328 6725। अब मैं दोबारा लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। और दोस्तों ये हमारे सामने ई केयर का पोर्टल ओपन हो चुका है। ये अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर ये यूजेज ग्राफिकल व्यू है, कितना आपने इसको यूज़ किया। क्योंकि मैंने ये सिम हाल ही में ख़रीदी ही सिर्फ ई केयर पर वीडियो बनाने के लिए थी, तो मैंने इसको कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। SMS के इस्तेमाल का ग्राफ आएगा, वो भी अगेन खाली है। अकाउंट डिटेल्स में नाम वगैरह आता है, वो यहाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हालांकि मैंने ID कार्ड भी दिया था, बायोमेट्रिक भी वेरीफाई करवाई थी। 58 रुपये का ये बैलेंस दिखा रहा है। और डेटा यूजेज, इसके अलावा पैकेजेस एंड प्रमोशंस, मेरे पास इस वक्त इकॉनमी पैकेज है, इसको हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये टॉप राइट के ऊपर ये 3 लकीरें बनी हैं, मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, डेटा मैनेजर, यूसेज हिस्ट्री, पैकेजेस एंड बंडल्स। ये यूसेज हिस्ट्री पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरे ख्याल में हमें जो आपके फ़ोन से कॉल्स वगैरह आपने की हुई हैं, जो SMS वगैरह भेजे हुए हैं, उनकी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। अलबत्ता यहाँ पर ये दोबारा से पिन कोड मांग रहा है, और ये भी पिन कोड 8 हिंसों का एक पिन कोड है जो कि आपको भेजा गया है आपकी ज़ोंग सिम के ऊपर। वो पिन यहाँ डालेंगे। मेरे पास ये पिन आ चुका है, मैं अभी दूसरे फ़ोन के ऊपर स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो जनाब
ये रॉन्ग ई केयर से एक आपको SMS आ जाएगा। इस SMS में जो नंबर लिखा हुआ है पिन के तौर पे वो मैं यहाँ डालता हूँ, वो है 8197302473024। अपना पासवर्ड कभी किसी को ना बताएं, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपको दिखा रहा हूँ करके कि कैसे करते हैं। मेरे पास क्योंकि कोई यूजेज हिस्ट्री है ही नहीं ना, मैंने कोई कॉल की तो मेरी हिस्ट्री कहाँ से आनी है, तो ये तो बिल्कुल खाली आ रहा है। अलबत्ता कोई कॉल का रिकॉर्ड वगैरह आपने देखा हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है ज़ोंगी केयर का कि इन्होंने इसको डबल प्रोटेक्शन दी हुई है, दोहरी इसको उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है कि आपका डेटा, आपकी कॉल हिस्ट्री महफूज रहती है दो पिन की मदद से। जहेज के केस में जो पिन आप मेन पे लगा देते हैं उसके बाद अंदर आने के बाद वो दोबारा नहीं पूछता, ये हम दोनों को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे अजीज़ हम बताओ, यहाँ पर अकाउंट रिचार्ज का एक ऑप्शन है, पैकेजेस एंड बंडल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। क्या है भाई पैकेजेस एंड बंडल्स? ये मुख्तलिफ बंडल्स हैं जो कि हम खरीद सकते हैं। ये कॉल बंडल्स इस वक्त हरे रंग में दिखा रहा है, कॉल के बंडल्स ले सकते हैं, SMS के हैं, डेटा के हैं, MBB पता नहीं क्या होता है, IDD पैकेजेस, सो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जनाब आप सुप्रीम प्लस ऑफर 10,000 ऑन नेट मिनट्स, 600 ऑफ नेट SMS, 10,000 MB, और ये पता नहीं कितने की है। अगर मैं ये गुलाबी रंग के एक्टिवेट बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे कहेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परफॉर्म दिस एक्शन। अभी बात यह है कि ये कहीं डिटेल्स नहीं दिखा रहा कि हाँ नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि 30 दिन के लिए ये पैकेज है, 1299 रुपये इसकी एक्टिवेशन है। इसी तरह से डेली शानदार ऑफ़र वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ ऑफ़र्स हैं जिनकी पूरी तफसीलात यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप बड़े आराम से यहाँ से जाकर ऑफ़र्स देख के तो उनको चला सकते हैं, लगा सकते हैं। नौजवान लोगों को ये कोड्स वगैरह सारे ज़बानी याद होते हैं, मेरी एज के जो ज़रा बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको ये चीज़ें भूल जाती हैं क्योंकि हमने कम यूज़ करना होता है। तो हम जैसे लोगों के लिए ये एक अच्छी सहूलत है कि हम यहाँ से जाके ये सब कुछ देख सकते हैं कि पैकेजेस वगैरह कौन से हैं, और अगर लगाना पड़ जाए तो पैकेज लगा भी सकते हैं। डेटा बंडल्स, इंटरेस्टेड इन दिस वन, 2.5 GB रात 1 से सुबह 9 बजे तक, खैर इन एनी केस। तो ये है दोस्तों आपके पास ज़ोंग ई केयर में लॉगिन करने का तरीका, ज़ोंग ई केयर को खोलना, उसमें वगैरह वगैरह करना। और अगर आपने अपने फ़ोन में कोई बैलेंस लोड करना है तो बंदा पूछे कि यहाँ से करने की क्या ज़रूरत है, ये लिखा हुआ है जी कि यहाँ पर आप आके स्क्रैच कार्ड नंबर डालें और सबमिट करें और वो आपके फ़ोन में चला जाएगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी सहूलत मौजूद है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं की, ये नीले रंग का लिंक है। ये ऑनलाइन रिचार्ज का भी एक ऑप्शन है। तो इसके साथ ही मेरे जिस दोस्तों अब मैं इसको करता हूँ बंद। इसको बंद करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे प्रॉपर लॉग ऑफ करें। सही चलना, लॉग ऑफ कहाँ से होगा? लॉग ऑफ के लिए ये लेफ्ट के ऊपर आप देख सकते हैं फाइंडर्स के बिल्कुल नीचे लॉग आउट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप लॉग आउट भी हो जाएंगे, ताकि अगर आपका फ़ोन किसी और को मिलता है तो कोई गलती से खोल कर आपकी वो डिटेल्स ना देख सके। तो दोस्तों ये था ज़ोंग ई केयर, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, बुरी लगी है तो कमेंट्स में गालियाँ दे लें जैसा कि आमतौर पर नेट पे होता है। सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।